किसके गायकी में है दम। अच्छा। उसको स्टार बनाएंगे हम। ओ एकदम पटना में सबसे सस्ता मात्र 2500 में ऑडियो वीडियो करके दूंगा मैं, मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चलिए तो भाई जिसके पास टैलेंट है तो इस स्टूडियो पे जरूर आइए, अपना टैलेंट को दिखाइए, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो जो है ना 2500 में कर रहे हैं। तो 10 रुपया चाहे गल कट 10 रुपया 20 वो गाना गवा ले रहे हैं लोग, मेरा नाम फोटो नहीं डाल रहे हैं लोग। बताइए ऐसा मत कीजिए यार, किसी का जीवन के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कलाकार वही नाम के लिए जीता है। पहुंचे हैं मंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना पे, हिंदी भोजपुरी मैथिली मगही हरवानी म्यूजिक में गीत रिकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं तेज प्रताप नगर और भीखा चक में, ये देख सकते हैं रोड हनुमान मंदिर, और नंबर इतना इतना है। और बता दें कि सिंगरों के लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि ये जो है ना ऑडियो वीडियो जो है ना फ्री में करवा रहे हैं। आखिर कैसे करवा रहे हैं, क्या चीज है, सारे मामले और सारे मैटर को लेकर के यहाँ पे हम मौजूद हैं स्टूडियो में। आप बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मतलब कि नए गायकों या जो अच्छा गाते हैं उनको कैसे फ्री में गवाते हैं और किस तरह तरीके से गवाएंगे, कैसे हैं? एकदम मस्त और स्वस्थ। क्या कुछ ऑफर लेके आए हैं? पता चल रहा कि आप नए सिंगरों को जो अच्छा गाता है उसको ऑडियो वीडियो फ्री में करवा रहे हैं। हाँ, फ्री में करवा रहे हैं, जिसके गायकी में है दम। अच्छा। उसको स्टार बनाएंगे हम। ओ एकदम जिसकी गायकी में है दम उसको स्टार बनाएंगे हम। लेकिन यहाँ देखिएगा ना तो बहुत सारे नए नए सिंगर होते हैं, बेचारे गाने का उनको शौक है लेकिन कहीं ना कहीं वो ठगा महसूस कर लेते हैं। पटना में या कहीं जाइएगा ना तो उनको पैसा जो है ना इतना डिमांड कर दिया जाता है कि वो बेचारे तंग हो जाते हैं। एक तो गरीबी से आते हैं लेकिन गाने का इच्छा रहता है लेकिन वो तंग हो जाते हैं। बहुत सारे गायकों का ये आरोप रहता है कि हम गाते हैं तो स्टूडियो वाले ज्यादा पैसा ले लेते हैं। ज्यादा पैसा यहाँ कहीं नहीं लिया जाएगा, जो मैं बताऊंगा इस नहीं, आप तो बता रहे हैं कि जिसके पास दम है हम फ्री में गवाएंगे। देखो फ्री में किसको गवाया जाए, मान लीजिए जिसको हिंदी पढ़ने का नॉलेज नहीं है, जिसको सारे गामा का नॉलेज नहीं है और बेलदारी कर रहा है, वो डायरेक्ट आप बोलेगा भैया हम फ्री में गाएंगे तो कैसे गवा देंगे? अरे उसके अंदर मुझे कुछ टैलेंट दिखाई देगा, दिखेगा तभी ना उसको गवाएंगे फ्री। जिसके पास रहेगा गुण वही आगे बढ़ेगा, तो जिसके पास गुण रहेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। अच्छा नए सिंगरों के लिए क्या मौका देंगे, जो नए लोग हैं गाना गाना चाहते हैं? स्टार तो भाई स्टार है, उनके लिए स्टूडियो का कमी नहीं है, लेकिन जो नए हैं बहुत सारे हमारे मतलब आके न्यूज पे कमेंट करते हैं कि हमको सर कहीं स्टूडियो बताइए कुछ अच्छा कि हमको पढ़ाव मिल सके, कम दाम में मतलब कि हम अपना ऑडियो वीडियो म्यूजिक गाना रिकॉर्ड करा सके। पूरे पटना में सबसे सस्ता मात्र 2500 में ऑडियो वीडियो करके दूंगा मैं, मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ऑडियो और वीडियो दोनों, ये ठोक के दे रहा हूँ, आज जो भी देख रहे गंगा नदी में देखिए और आइए और काम कीजिए, उसके बाद बात कीजिए, उसके बाद बात कीजिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए आप लोग। अच्छा नंबर उम्बर कुछ बताएंगे? ऐसे ऐसे तो बोर्ड पर हमने दिखा दिया, क्या वही नंबर रहेगा? हाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वही है, 85-95-40-87-22। इस नंबर पे कॉल करें और बात करें, अब बात करके हमारे पास आए, अब पूरा जानकारी ले उसके बाद काम कीजिए। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं एक गायिका है बैठी है, कैसी है? नमस्ते, सबसे पहले तो आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितना दर्शक मुझे देख रही है सबको पैर छू के प्रणाम करती हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। कौन सा गाना दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अभी तो बोलबम का गाना रिकॉर्डिंग हुआ है और रिलीज हुआ है। पहले अपना नाम बता दीजिए, कम से कम दर्शक जान जाए। मेरा नाम है सिंगर रिंकी निराली, और मेरा वीडियो आप सब जितना लोग दर्शक देख रहे हैं, मेरा फैमिली देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, सब कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी दुखदायक जिंदगी आप लोग देख सके। बिल्कुल। तो कुछ सुनाइए। सुनाना चाहूंगी अभी मेरा चैनल से एक भी तो लोकगीत रिलीज हुआ है, शादी का के ससुरा गईनी, शादी का के ससुरा गईनी, बड़ा सुनर बर पैनी, दिनवा तो कटिए जाला रतिया में फूल खिले, हम हो हिले बलम ओहिले, राति के बहरी मजा मिले, हम हो हिले बलम ओहिले, राति के बहरी मजा मिले।
एक गाना लिखे हैं कृष्णा संगम राइटर सर जी। निराली जी और कौन कौन से आपके गाने बजे? सर जी गाना तो बजा था, बहुत बजा है मार्केट में, उठलाली चट्टा 10 रुपया गाना सुने होंगे। बहुत सुना था, कैसे है थोड़ा दर्शक को भी सुनाइए। वो गाना तो बजा, बहुत खुशी मिला, दुख भी है और खुशी भी मिला है। इसके लिए दुख है कि वो गाना मैं बहुत मेहनत से गाई थी, बहुत मेहनत से गाई थी और मेरा उसमें नाम, मतलब फोटो नाम नहीं, फोटो छोड़ी ना, नाम भी नहीं डलाया। अवधेश प्रेमी जी के साथ में गाई थी, अवधेश प्रेमी यादव जी को, उनको मैं बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, लेकिन वो पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों किए। मैंने गाना गाई थी ऐसा था, थोड़ा सा सुनाती हूँ। गोरे गलिया में मुहावा न रगड़ा, एने ओने न मिसा तू, बाबू आपस में ना ही झगड़ा, टोवा टोई से पघिल तऊ। तो लड़का का लाइन है, केतना तू रेट लगे कर बेरे भेट, कहता उतारी नथिया। फिर हमारा लाइन है, उठलाली चट्ट 10 रुपया, चाहे गल कट 10 रुपया, उठलाली चट्ट 10 रुपया। ये गाना, ये तो दूसरे का गाना है, आप बता रहे हैं कि हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। कैसे आप बोल रहे हैं दूसरे गाना? ऐसे दर्शक पूछ रही है कि तुम्हारा गाना नहीं, मैं गाई थी, अभी भी अब नाम डलाया है। डलाया है RCM म्यूजिक में। मैं खुद कॉल की थी राकेश सर जी के पास, तो उसमें राजमंगल सर जी थे, उनसे मैं अपना लाइव वीडियो भेजी कि सर जी ये गाना तो मैं गाई हूँ, इसमें नाम अनिता शिवानी को क्यों डलाया गया है, मेहनत मैं की हूँ। तो बाद में मेरा नाम डाला यार, लेकिन अवधेश प्रेमी सर जी जो है वो अभी तक वो अपना चैनल पे अनिता शिवानी के ही नाम डाले हैं। RCM म्यूजिक पर मैं बोली तो वो हमारा नाम डाले हैं। तो अवधेश प्रेमी अगर हमारा वीडियो देख रहे थे यहाँ से, क्या कुछ कहना चाहोगी? मैं कहना यही चाहूंगी कि ऐसा किसी लड़की के साथ ना किया जाए। और ऐसा मतलब दिल में दर्द होता है, ऐसे भी बहुत तमाम कलाकार है कि मेरे से गाना गवा ले रहे हैं, अब बड़े बड़े लड़की स्टार लोग का नाम डाल दे रहे हैं लोग। आपका नाम नहीं, मेरा भोकल मतलब कर रहे हैं लोग कि तुम्हारा नाम फोटो रहे, 10-10 20-20 वो गाना गवा ले रहे हैं लोग, मेरा नाम फोटो नहीं डाल रहे हैं लोग। बताइए, ऐसा मत कीजिए यार, किसी का जीवन के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कलाकार वही नाम के लिए जीता है, उन नाम तो कम से कम डाल दीजिए। चलते चलते क्या और कुछ कहना चाहोगी? दर्शक से यही मैं कहना चाहूंगी कि आप सब रिंकी निराली के गुहार सुनिए, रिक्वेस्ट है, विनती है, आप सब मेरे को सपोर्ट कीजिए इस चैनल के माध्यम से। आप सब जितना लोग देख रहे हैं मेरा गाना सुनिए मेरा चैनल पे, और जितना मतलब कंपनी वाले से हाथ जोड़ के विनती है, और चैनल वाले से, स्टूडियो वाले सर जी लोग से, कि मेरा आवाज आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हम एक पैसा नहीं लेंगे। आप लोग हमसे ऑडियो वीडियो कराइए, मैं गाने के लिए फिर मतलब ऐसे गा के दे दूंगी, ऑडियो वीडियो भी कर दूंगी, इसके लिए कि नाम के लिए, ऐसे के लिए जितना लोग मेरे से गवा रहे हैं, गवा ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं डाल रहे हैं, नहीं मेरा फोटो डाल रहे हैं, और नाम किसी और का अति डाल दे रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, यहाँ से मेरा गाना भी रिकॉर्डिंग हुआ है मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। सर जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं भी इनका रिस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत अच्छा अच्छा गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे जी। और फ्रॉड जैसे चारों तरफ हो रहा है उस तरीके से ये यहाँ पे नहीं है? नहीं सर, यहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो फ्रॉड किए हैं वो सबसे विनती है कि ऐसा दूसरा लड़की के साथ आप लोग मत कीजिए। मेरा आवाज डालिए, मैं गा रही हूँ अपने नाम के लिए, आप पैसा दीजिए, मन दीजिए, मैं गाने के लिए रेडी हूँ। आप लोग मेरा नाम फोटो जरूर डालिए, जिनको गवाना है मैं गाने के लिए रेडी हूँ, मेरा नाम फोटो डालिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए, एक जीवन का खिलवाड़ मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं कलाकार जो जमीनी स्तर से उठ के आते हैं नाम के लिए कि आगे जाके ये अपना नाम करे, वही आप लोग मिटा दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और कुछ सुनाना चाहिए? और गाना मेरा अभी फिलहाल में RK रिंकी निराली यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। है तू ही हवा दिल के सुकून, मही तू ही मेरे चेहरे के नूर, वे होंगे लाखों दीवाना यहाँ, पर तू ही यार मेरा कोई नूर गे, मुझे चाहिए नहीं कुछ तेरे शिवा, तेरे नैनों में मैं तकती रवा, मुझे चाहिए नहीं कुछ तेरे शिवा, तेरे नैनों में मैं तकती रवा, तू ही जान तू ही मेरा धड़कन, कभी होना नहीं मुझसे तू दूर वे, हाय तू ही हवा दिल के सुकून, मही तू ही मेरा चेहरे के नूर वे। इस रिकॉर्डिंग से, मंडल रिकॉर्डिंग से हुआ है, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है RK रिंकी निराली, उसी पर रिलीज हुआ है। दर्शक का बहुत ही सुंदर प्यार मिल रहा है। चलिए तो इनके की निराली के चैनल पर जाइए, जाके अच्छे अच्छे गाने सुनिए। और क्या कुछ हमारे दर्शक को कुछ और बताना चाहते हैं जो हम सवाल नहीं किए
नहीं जानते हो तो कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सवाल तो जितना उठा सवाल ही सवाल है, सवाल खत्म ही नहीं होता कभी। यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी जितने नए कलाकार अभी इस लाइन में आ रहे हैं, तो सही जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो वो सही जगह आने के लिए मेरे से बात करें, बढ़िया से एक बार यहाँ आके चेक कर ले कि यहाँ काम कैसा होता है, उसके बाद काम कीजिए। क्योंकि अभी देखिए पटना में स्टूडियो इतना हो गया, इतना स्टूडियो हो गया, डेली 10 गो खुल रहा है, डेली 10 गो बंद हो रहा है, तो किस कारण? अब कितना स्टूडियो वाला ऐसा भी है ना कि पैसा ले रहे हैं, 500 वाला थंबनेल में लगा देते हैं, वो 500 में मीडिया ले आया, ठीक है, और उनको न्यूज बनवा के कि 500 फ्री, और उसके बाद जब फ्री के नाम पे कलाकार आ जाता है वहां पर, उसके बाद उसको बोलता कोई फ्री नहीं है यहाँ पे, पहले पैसा लाइए उसके बाद काम कीजिए। तो वो फेक से बढ़िया पहले जानकारी पूरा ले लीजिए कि क्या प्रोसेस है, उसके बाद काम कीजिए। तो जितने यहाँ पे ठग स्टूडियो वाले बैठे हैं उसकी लेने के लिए मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसा नहीं कमाना है, जो कम बजट में उनका बढ़िया से मैं काम करके दूंगा वही मेरी खुशी है, मेरे चैनल से बस मात्र गाना उसका रिलीज हो जाए। तो मात्र 2500 में ऑडियो वीडियो खुला ऐलान है, आइए ठोक के काम कीजिए और उसके बाद मुझसे बात कीजिए। चैनल अपने चैनल से आप रिलीज? जी MM म्यूजिक वर्ल्ड है चैनल का नाम, आप लोग जाके उस पर गाना देख सकते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा गाना है, और बहुत बड़े बड़े कलाकार, अच्छे कलाकार, बढ़िया कलाकार सबका गाना है, और आप सबको सुनने मिलेगा। आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मुझसे जुड़े और काम करवाएं, एक बार काम करवाएं उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे, ऐसे क्या बोलने से क्या फायदा। बिल्कुल एक बार जरूर जुड़िए, उसके बाद बात कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ कैसा है क्या नहीं है। तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में अपना जरूर राय दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।